सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लकी गेमिंग अंकित। सो गाइस आज की वीडियो हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट रॉयल एसएमपी का पार्ट 7। और गाइस आपने मेरी इस एसएमपी की पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लो क्या कर रहे हो। कमेंट बॉक्स में लिंक नहीं है क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। और गाइस ये मेरे को पता नहीं चल रहा कि ये सब्सक्राइब के बटन में कुछ ग्लिच सा हो गया है, कोई भी दबाता है वो दबता नहीं है। जल्दी से जाके दबा के देख लो। और लाइक के बटन में तो भाई पता नहीं कौन सा जादू आ रखा है, अगर आप उसे दबाओगे तो वो वाइट से ग्रे हो जाता है। ओके तो गाइज मेरे को यहाँ पे इस चेस्ट पर मेरे को सामान रखना है, इसलिए मेरे पास 43 बुल्स है। मेरे को पूरे 60 बुल चाहिए। ओके तो गाइज मेरे को 70 बुल मिल चुके हैं। वैसे तो मेरे को इतने ज़्यादा नहीं चाहिए थे, मेरे को चाहिए टोटल 60 बुल और ये है 17 बुल और ये हो गए टोटल ज़्यादा हो गए गाइज। कोई नहीं, और भी मैं सामान लेके आपसे मिलता हूँ जल्दी से। ओके तो गाइज मैं यहाँ पे ना कार्डियोग्राफी टेबल बनाऊंगा। कार्डियोग्राफी बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं कार्डियोग्राफी विलेजर को शायद से बोलते हैं। और मैं कोई और नहीं बनाऊंगा गाइज क्योंकि फ्लैचिंग टेबल में बहुत सारे फ्लेंट्स लगते हैं जो कि बहुत मुश्किल से। मेरे पास पेपर तो पड़े हैं 12 पेपर ये रहे। मेरे को टोटल 40 पेपर चाहिए। और कहाँ है और कहाँ है, यहाँ नहीं। चलो शुगर कैन मिल गए, चलो हो गया काम गाइज, हो गया। ज़्यादा ही मिल गए, सब ज़्यादा पड़े हैं गाइज, पहले से कलेक्ट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। कितने बन रहे हैं, कितने बन रहे, 24 हो गए, 27 हो गए, 30 हो गए, 33, 36 और ये 29, एक कम रह गया। हो गया गाइज, हमारे पास शुगर कैन का भी काम हो गया। अब इसे रख देते हैं, बाकी कोई इसकी जरूरत नहीं हमें गाइज। ये मैं ज़्यादा बड़ा आयरन फार्म नहीं बना रहा क्योंकि ये भी बहुत तेज वर्क करता है। उसके बाद तो वैसे भी बना के क्या फ़ायदा, इससे बड़े हम बनाएंगे तो बहुत बड़ा ऑब्सीडियन से गोल्ड एंड एक्सपी फार्म बनाएंगे। और देख लो गाइज मेरे पास पूरा आयरन का आर्मर भी नहीं है, बूट्स मेरे पास उस चीज़ के, चेन का मैंने लेगिंग पहना है। ओके गाइज अब जल्दी से हम लावा लेने चलते हैं नेदर में। गाइज नेदर में जाना पड़ेगा भाई, ध्यान से रहना है गाइज। और गाइज जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो गाइज। जल्दी से जल्दी मेरे पूरे 2000 सब्सक्राइबर करा दो। और उसके बाद मैं लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट करूँगा। जरूरी नहीं 2000 के बाद मैं कभी भी कर सकता हूँ, लेकिन आप 2000 सब्सक्राइब करा दो। अब मेरे को कैसे जाऊँ मैं इसके ऊपर, चलते हैं। और इसको तोड़ तोड़ के क्लच करूँ क्या? अरे यार यहाँ तो वाटर बकेट क्लच भी नहीं हो सकता ना, वरना मैं कर लेता। ओके तो हम इसी को तोड़ते हैं, आराम से तोड़ेंगे वरना ये बहुत फास्ट टूटते हैं। और यहाँ पे गाइज बस वो गोल्ड वाले पिगलिंग ना आ जाए जो गोल्ड लेते हैं, वरना मैं तो भाई गोल्ड का कुछ नहीं पहना हूँ। ओ भाई यहाँ पे क्वार्ट्स पड़ा, चलो इसको तोड़ लेते हैं और जल्दी से लावा ढूंढते हैं। अब भाई मेरे को लावा लेना है, लावा मैं कहाँ से लूँ? वो वाला लावा ठीक है, वो डायरेक्ट ऊपर से आ रहा है, हल्का सा आ रहा है, मेरे पास भी है। पर ये लावा इसको ढकते हुए चलो गाइज, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना मेरे को जलने का। इसको मैं यहाँ से ब्लॉक कर देता हूँ ताकि मैं टच ना हो। ओके हाँ यहाँ से ब्लॉक हो गया, इस साइड से भी मैं ब्लॉक कर दूँ ना। चलो ये तो पास में है, इसको तो मैं ऐसे ही उठा लूँगा। हो गया गाइस। ओ भाई नहीं भाई नहीं भाग भाई, यार घास में जल रहा। अरे यार ये एक और बार कर दिखने तो गया। बस एक और ना छोड़े, जल्दी भाग। भाई मेरे पास बस 2 हर्ट है भाई और जले जा रहा पर मैं डैमेज नहीं पड़ रहा। ओ भाई घास वहीं से देख रही मोटी, भाग जाए यहाँ से, बता रहा हूँ मैं। ओके तो गाइज हम जल्दी से चलते हैं आयरन फार्म जहाँ बनाने वाले, थोड़ा डिस्टेंस पे बनाना पड़ेगा विलेजर से मेरे, क्योंकि गाइज वहाँ पे। ओ भाई ये क्या है? ओ नो ये पिग है, नहीं पिग नहीं है, शिप। ओ भाई रेयर चीज़ मिल गई भाई, इस वर्ल्ड की सबसे रेयर चीज़ मिल गई मेरे को। सबसे तो नहीं, खैर ये पिंक शिप मिल गई माइनक्राफ्ट में जो बहुत रेयर होती है। और इसका बच्चा वाइट में क्यों भाई? चल तेरे को जल्दी से कैप्चर कर लूँ, तेरे को अपने घर पे ले जाऊँगा भाई तेरे को। भाई गाइज मेरे को मेरे वर्ल्ड में सबसे पहले मेरे को रेयर चीज़ मिल चुकी है और यह है पिंक शिप। A few moments later. ऑल राइट गाइज मैं लेके आ चुका हूँ। शिप कहाँ गई? Oh, no. अरे यहीं तो डाली थी भाई, मैं वीट लाया था उसके लिए। अरे यार डिस्पॉन हो गई वो। अरे यार मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मैं। इतनी रेयर चीज़ मैंने इतनी आसानी से खो दी भाई। और ये है हमारा वो एरिया गाइज, यहीं पे आयरन फार्म में बनाऊँगा। देखो मैंने थोड़ा सा काम चालू कर रखा है। तो गाइज यहाँ मैं बनाऊंगा अपना आयरन फार्म। वैसे बढ़िया लोकेशन है, यहाँ पे कोई भी कनेक्टेड एरिया नहीं है। और यहाँ पे देखो 21 बेड बन रहे। कैसे? शायद से मैंने एक्स्ट्रा वुल्स ले आया 3, कोई नहीं हमें ले आए तो और बढ़िया बात है, पर ज़्यादा कम नहीं लाने थे। कम ले आते 1 वुल भी तो घाटा चला जाता। ओके तो गाइज मेरा ये काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने सभी बेड्स लगा दिए। और ये आखिर मैंने गलती से वो बेड एक्स्ट्रा बना ही दिया। अब इसका मैं इस ग्रेवल प्लेस गिन लेता हूँ पूरे 3-4। ओके गाइज ऑल राइट पूरा सही है। अब मैं इस क्राफ्टिंग टूल को ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं है। ओके तो इसे मैंने तोड़ लिया। अब मेरे को यहाँ पे बिल्ड करना है। यहाँ पे मेरे को पूरा फ्लैट कर देना यहाँ पे एरिया। यहाँ पे मैं अंदर से डर्ट्स वगैरह से कर देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे कोई स्पीशियस ब्लॉक लगाने से कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं, कोई दिखेगा भी नहीं। खैर ये तो पहली बात। मैं यहाँ पे अब लगाऊंगा कोबल स्टोन गाइस, क्योंकि कोबल स्टोन थोड़ा लुक दे देगा। यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लगाना है हमें कोबल स्टोन। वो अंदर का हिस्सा हमें नहीं चाहिए ना, वो किसी काम। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे अब मेरे को जल्दी जल्दी कार्टोग्राफी टेबल लगाना है, जो कि मेरा फिलहाल वो ऊपर है। अरे यार मेरे को चेस्ट यही लगाना चाहिए था। खैर इतना दूर भी नहीं है मेरा चेस्ट, मैंने इसके ऊपर ही रखा है। तो जल्दी से हम वाटर बकेट डालते हैं। अरे डल जा। ऑलराइट गाइज, मैंने पूरे कार्टोग्राफी टेबल भी लगा दिया। अब यहाँ पे थोड़ी रोशनी कर देता हूँ। यहाँ पे एक टॉर्च लगा देता हूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे गाइज, क्योंकि बिल्कुल भी अंधेरा नहीं चाहिए। हल्का सा अंधेरा एक ज़ॉम्बी स्पॉन करेगा और एक ज़ॉम्बी मेरे सभी विलेजर्स की बैंड बजा देगा। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पूरा ब्लॉक फिल कर लेता हूँ गाइज। यहाँ पे मेरे को भाई तुझे गलत लगना जरूरी था, अब तेरे को तोड़ो भाई। जितना जल्दी मेरे को बनाना है उतना ही टाइम वेस्ट हो रहा है। वैसे ही मैंने 1 घंटा लगा चुका हूँ, रिकॉर्डिंग तो खैर कम की हुई होगी। और मेरे को जल्दी जल्दी ये ब्लॉक्स फिल होने वाले। ऑलराइट गाइज, ये लास्ट लग गया गाइज। अब मेरे इस चैम्बर में रहेंगे 20 विलेजर्स। अब मेरे को यहाँ से जगह बनाना होगा बाहर निकलने का। ऑलराइट गाइज, मैं लेके आ चुका हूँ वाटर बकेट को, क्योंकि वहाँ पे 2 वाटर बकेट लगने वाली थी। और ये मैं MLG कर रहा हूँ भाई। हो गया गाइज। अब मेरे से MLGs हो जा रहे हैं, मैं पहले से होते नहीं थे। अब मेरे MLGs हो जा रहे हैं। अब मेरे को 1 वाटर बकेट यहाँ डालना है और ये मेरा सारा फ्लो एक तरफ आएगा। नहीं, अरे यार गलत कर दिया। मेरे को अभी एक ब्लॉक और फैलाना पड़ेगा, इसको और तोड़ने पड़ेंगे। चलो पहले मैं इसे इन्फिनाइट वाटर सोर्स कर लेता हूँ। ओके तो गाइज, अब मेरे को यहाँ पे ब्लॉक लगाना है और यहाँ पे वाटर बकेट डालना है। और 1 वाटर बकेट कहाँ गया? ऊपर है गाइज। वाटर बकेट नहीं, सॉरी, ऊपर वाटर रख रखा है मैंने। अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना के और वो रहा है। इसे यहीं से कैच करूँगा, ऊपर नहीं जाऊँगा। और ये उड़ जा। अरे यार उड़ जा। ओके ऑलराइट गाइज, उठ गया। चलो फाइनली उठ गया। और एक मेरे को डालना है यहाँ पे। और ये देखो सारा फ्लो एक तरफ आ गया। अब मेरे को इस साइड को माइन करना है और इस साइड मेरे को बनाना है कलेक्टिंग और किलिंग चैम्बर। ओके ऑलराइट गाइज, ये बस ब्लॉक तोड़ देता हूँ मैं और हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। किलिंग लूटिंग चैम्बर भी बन चुका है। अब बस एक ही काम बचा है, वो है विलेजर्स को अंदर लाना, जो कि होता है सबसे मुश्किल। खैर वो इतना मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि मैं लाने वाला हूँ। ओ भाई, मैं टैप करते ही ग्रीन हो गया वो ग्रास। ओके अभी फिलहाल कोई आयरन नहीं, क्योंकि गाइज अभी आयरन गोलम स्पॉन नहीं होंगे। फिलहाल मेरे को लाना है विलेजर्स, तो चलते हैं सीधा विलेजर्स को लाने के लिए। A few moments later. ओके गाइज, मैंने यहाँ पे 2 विलेजर्स चुन लिए हैं, जिनके साथ मैंने अभी तक ट्रेड नहीं करा है, क्योंकि वही विलेजर्स लग सकते हैं। ओके मेरे भाई बढ़िया वाले विलेजर्स है। वैसे तो मैंने अच्छा खासा मैंने ट्रेड दे रखा था। कोई नहीं, अब मैं इन्हीं विलेजर्स को लेके जाऊँगा घसीट के इतनी दूर तक। फाइनली गाइज, हम लेके आ चुके हैं गाइज। इनको लाने में लगा है बहुत ज़्यादा मेहनत और इनके बच्चे हमें देंगे आयरन गोलम्स। तो यहाँ पे मैं एरिया बना देता हूँ। इस साइड को मेरे को माइन करना है, यहाँ से मैं पहुँचाऊँगा डायरेक्ट गाइज। फार्म तो पूरा बन चुका है, बस इनको पहुँचाना रह रहा है। तो सीधा मैं इसको पहुँचा के और इनकी ब्रीडिंग करा के मिलता हूँ। ओ भाई, बच्चे स्पॉन होने भी लग गए। और भाग यहाँ से, गलती से लग गया। अरे यार भाग जाए यहाँ से, जल्दी भाग जाओ, नहीं तो मैं मारूंगा। तो थप्पड़। अभी से ही बिगड़ रहे इतने बच्चे भाई से। ये बच्चे तो अभी से बिगड़ने लग गए, अब क्या कर सकते हैं। अरे यार एक और आ गया। अरे मेरे को ब्लॉक लगाने तो शांति से, हट जाओ जल्दी, भाग जाओ। चलो इतनी तो बात मान रही मेरी गाइज। अब जल्दी से जल्दी इनका बड़े होने की देरी है, उसके बाद तो भाई आयरन ही आयरन। सो ऑलराइट गाइज, फार्म तो लगभग बन चुका है वो तो। खैर अब बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर हमें आयरन गोलम आयरन स्पॉन हो के मर के आयरन देंगे। और गाइज इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, वो तो अपने आप हो जाएगा अगर मैं AFK भी छोड़ दूंगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी मत भूलना। और स्पेशल बात यह है कि गाइज कमेंट और शेयर जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।